जो बोले सो निहाल। अब की बार ईमानदार सरकार, मोदी सरकार तो बन चुकी है भाई, मोदी सरकार तो बन चुकी है, अब अगले बनाने की। अब की बार मनोहर सरकार सिर्फ एक बार ईमानदार सरकार, सिर्फ एक बार ईमानदार सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली हो, इतना जोश इतना उत्साह। माननीय मुख्यमंत्री जी, नीचे जाके देखिए, हजारों की संख्या में टेंट के नीचे बहने हैं, बहुत दूर तक जहां ही नजर जा रही है, हजारों की संख्या में। भाई भगवीर भगवान दास कबीर पंथी जी, बहुत बधाई धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से प्रार्थना करूंगा कि इस भारी उत्साह के जो हमारे साथी खड़े हैं, उनसे जन आशीर्वाद यात्रा के लिए समर्थन मांगेंगे। माननीय मनोहर लाल जी, भाइयों बहनों, पांच मिनट साथ रहेंगे। नीलोगेड़ी विधानसभा के शामगढ़ गांव में आज इतनी भारी संख्या में भाइयों बहनों का ये जो आशीर्वाद मिला, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। ये जो टेंट के नीचे लोग बैठे हैं, अगर आगे आ सकते तो बेशक आ जाए, क्योंकि तो यहीं से कार्यक्रम पूरा करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे आ जाओ सब भाई बहनों। हम लोग ये 3 दिन पहले जो रथ यात्रा लेकर शुरू हुए पंचकुला जिले की कालका विधानसभा से, इसकी शुरुआत में देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आशीर्वाद दिया, और इस यात्रा का सीधा सीधा उद्देश्य यह है कि हम लोगों ने जो 2014 में सरकार संभाली थी, 2014 में जो सरकार संभाली थी, लगातार पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से, बिना किसी भ्रष्टाचार के पूरे हरियाणा में समान विकास किया, और विकास में कोई छोटे मोटे विकास नहीं, बल्कि हजारों करोड़ रुपए के हर विधानसभा में विकास हुए। मैं अपने विधायक श्री भगवान दास कबीर पंत जी से पूछ रहा था कि अपने नीलोखेड़ी क्षेत्र में कितना काम हुआ है, तो ये बता रहे हैं 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा काम हो चुके हैं। आज हमारी इस यात्रा में प्रदेश का पूरा नेतृत्व, ये भी प्रारंभ से लेकर इस समय तक हर जगह पर कोई ना कोई अपने नेता मंत्रीगण ये सब आ रहे हैं, केंद्रीय नेताओं का भी हमको आशीर्वाद मिला। आज इस यात्रा में आपके विधायक भगवान दास कबीर पंथी जी के साथ साथ आपके प्रिय सांसद श्री संजय भाटिया जी, जिनको आपने इतने बड़े बहुमत से जिताया कि सारे देश में नाम हो गया। हमारे साथ हमारी मंत्री बहन कविता जैन, शहरी निकाय मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, ये भी साथ में हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई वेदपाल जी एडवोकेट, वो भी साथ में हैं। हर यात्रा पर कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी देर पर प्रदेश के नेतृत्व लोग आ रहे हैं। आखिर हमने जब 5 साल पहले सरकार संभाली तो सब लोग जो नए नए राजनीति के खिलाड़ी या पुराने लोग भी जिन्होंने पहले राज किया, विपक्ष के लोग, वो क्या कहते थे, ये सरकार चलाने वाले अनाड़ी आदमी है, नए आदमी है,
पता नहीं एक दिन में गए, दो दिन में गए, छह दिन में गए, साल में गए, अब आंखें फटी फटी उनकी रह गई कि जब हमने समाज का इतना विकास का काम किया, आज 5 साल के बाद वही सब लोग, उस समय जो कहते थे कि यह नाड़ी है, आज वही सब कहते हैं यह नाड़ी नहीं, ये खिलाड़ी है। हमने विकास के कामों में पूरे प्रदेश में डबल गति, भाई थोड़ा नारे कम थोड़ा सुन लें, केंद्र सरकार के भरपूर काम, प्रदेश सरकार के भरपूर काम, ये सब हमने किए। बेघरों को हमने कहा कि हर घर, हर परिवार को घर इसका लाभ मिलेगा। हमने किसानों को किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया साल का देने की अपनी योजना बनाई, उनकी फसलों का बीमा कराया, हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का उसको हेल्थ का इंश्योरेंस, ये हमने कराया। महिलाओं को घर के अंदर रसोई में गैस चूल्हा, गैस कनेक्शन, इसका सुविधा सबको मिले, 8 लाख 9 लाख के ऊपर गैस कनेक्शन हमने दिए। आज हरियाणा में कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर में गैस का कनेक्शन ना हो। इतनी सभा में 10,000 लोग के आसपास यहाँ हैं, अपने में से किसी के घर में गैस का चूल्हा कनेक्शन ना हो तो आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं, सबके घर में? ऐसे ना करो, एक बार मौका दो, कोई जिसके घर में नहीं है, 1, 2, 3 कुछ तो होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6-7 महिलाएं ऐसी हैं जिनके घर में अभी भी नहीं है, या कोई भी सरकारी अधिकारी, या कोई सरकारी अधिकारी होगा, हमारे डीसी हो, एसडीएम हो, है कहीं दिख रहे हैं, कहीं डीसीएसपी, कहीं एसपी या कोई एसडीएम या कोई भी होगा, आगे गए, ठीक है, ये विधायक जी के जिम्मे लगाते हैं कि 48, अरे सुनिए, बात सुन लीजिए, सान लीजिए इन सब, अरे सुनो भाई, बात नहीं सुनेंगे तो फायदा नहीं ना आने का, अब हम आएंगे 5 मिनट होके चले जाएंगे, हम तो बात पूरी सुन लो। मैं ये कहता हूँ किसी के जिम्मे लगाओ कि जो 5-6 बहने हैं ये यहाँ मंच पर, एक आदमी इनका नाम लिख ले, और कल ही एसडीएम क्या या जो फूड सप्लाई का दफ्तर है वहां इनके नाम पहुंच जाए, 48 घंटे के अंदर अंदर इनके घरों में गैस सिलेंडर पहुंचेगा, 48 घंटे। और अगर 48 घंटे में नहीं दिलाया ना, तो भगवान दास जी आपके घर का गैस सिलेंडर परसों उठा ले जाएंगे। ये मेरा कहने का मतलब ये, मेरा कहने का भाव ये कि हम जो सर्विसेज दिलाते हैं पूरी की पूरी दिलाते हैं, पारदर्शी तरीके से, आप लोग कहीं भी जाकर अपना ई दिशा केंद्र पर, अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र, कहीं जाकर के अपनी जाके एप्लीकेशन भरो, लाइसेंस को लेना है, डुप्लीकेट बनवाना है, सर्टिफिकेट बनवाना है, सब आपको अब अफसरों के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, जीवन जीने की सुविधाएं आपको दी हैं, और इसमें से ही जनता को एक सुख मिल रहा है। हमने 11 साल के बाद कल पूरे हरियाणा में 57,000 राशन कार्ड बीपीएल के ये कल बंटवाए हैं, 57,000 कार्ड, और 11 साल के बाद। और अभी भी हमारा कहना है जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको मिलना चाहिए वो ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया है, कभी भी फॉर्म भरो, सर्वे होके तुरंत आपका बीपीएल कार्ड मिलेगा, अब वो बंद नहीं होगा। काम बहुत किए, अगर मान लो नीलोखेड़ी के काम ही बताना शुरू करूं मैं, तो जैसे हमने अंजनथली में एक नया विश्वविद्यालय माना प्रताप जी के नाम से बना के नहीं बना, इसी प्रकार नीलोखेड़ी में पॉलिटेक्निक बना के नहीं बना, इंजीनियरिंग कॉलेज
इसी प्रकार उसको पॉलिटेक्निक पहले था, उसको इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया। त्रावड़ी और बस्तली में लड़कियों के कॉलेज बने के नहीं बने। नीलोखेड़ी का अस्पताल जो पहले 40 बेड का था, अब वो 100 बेड का हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार त्रावड़ी में 25 बेड के बजाय 50 बेड का क्या कि नहीं किया? तो इस प्रकार से जितने भी काम है, रेलवे अंडर ब्रिज त्रावड़ी में, ये कितनी पुरानी डिमांड थी, ये रेलवे अंडर ब्रिज ये बना कि नहीं? तेजी से काम चल रहा है। तो ये सारे काम सालों साल से लटके हुए काम ये हमने कराए हैं, और आज भी हमारा कहना है कि आप अपने काम चाहे विधायक के माध्यम से भेजो, चाहे सीधा हमें भेजो, आज समय नहीं है कि आज आप बताओगे, लिख करके कभी भी भेज देना। जो अभी 2 महीने में करने का है वो करेंगे, नहीं तो आप अगर आशीर्वाद हमें देंगे तो अगली टर्म शुरू होते ही देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से ये सारे काम होंगे। और जैसे पांच साल अब हमारे काम करते पूरे हो गए, जो सेवा का लाइसेंस आपने हमें 5 साल के लिए दिया था वो 2 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, अब उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। आप रिन्यू करेंगे? आपका हाथ खड़े कर दो, ऊपर रिन्यू कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की। भारत माता की। सभी हाथ ऊपर करके भारत माता की। मैं ऊपर से बोलूंगा, सबने बोलना है हाथ ऊपर खड़ा करके। अब की बार, फिर एक बार ईमानदार सरकार, भारत माता की। वंदे। साउंड गाने।